हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग रीडिंग देखने वाले हैं व्हाट्स कम नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो आपकी लव लाइफ में आप आगे और क्या आने वाला है, क्या नया होने वाला है आपके लव लाइफ में। तो चलिए देखते हैं ये कप्स हैं। यहाँ पे येलो स्टोन कप, पिंक स्टोन कप, ऑरेंज स्टोन कप, फर्स्ट पायल, सेकेंड पायल, थर्ड पायल। इन कप्स को देख के अगर आपको कुछ भी याद आएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो देखती हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। तो आपको भी शायद इन्हें देख के कुछ याद आए। तो आज मैंने कुछ इनोवेटिव सा कर लिया, कुछ ये सोचा ये कप रखते चलिए, आप लोग की भी कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कुछ अगर आपकी यादें ताज़ा हुई हों इन कप्स को देख के। वेल ठीक है, चलिए आपको जो पायल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर हम आपकी जो स्टोन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है ये जानने के लिए टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है, जो अभी सेपरेशन में चल रहे हैं उनके लिए भी है। कुछ लोग, कुछ व्यूअर्स कहते हैं मैम सिंगल्स के लिए भी वीडियो बनाइए, तो ये सिंगल्स के लिए भी है। जो सेपरेशन में है अभी उनके लिए भी है, जो भी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी है, ये सबके लिए है। तो चलिए देखते हैं क्या कहना है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड ये एट ऑफ वॉन्ड्स। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, ये सारे पेंटिकल्स। तो अगर पहले सिंगल्स वालों के लिए मैं बता दूं कि क्या है। सिंगल्स वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक अगर आप बहुत वेट कर चुके हो और आप अभी तक आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो मैं बता दूं कि बहुत जल्द कुछ अच्छा ही आने वाला है आपके लिए। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आपके लिए कोई पार्टनर आने वाला है। और आपने, मुझे लग रहा है कि आप पे वर्क भी बहुत कर लिया है, अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब आपको एक अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए। क्योंकि अब आप, मुझे लगता है कि कैरियर भी आपका अभी ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसों की प्रॉब्लम, हो सकता है कुछ लोग जॉब कर रहे हों, या फिर कुछ लोग अपना करियर अभी ठीक ठाक चल रहा है, स्टडीज अभी ठीक ठाक चल रही हैं अभी, और अब ऐसा लग रहा है कि एक पार्टनर की जरूरत है। तो वो पार्टनर मुझे आता हुआ दिख भी रहा है। और मुझे लग रहा है कि ट्रू लव आपको मिल सकता है, जब भी पार्टनर आएगा वो ट्रू लव हो सकता है। और जहाँ तक पेंटिकल्स दिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जो भी पार्टनर आएगा आपके लिए वो हो सकता है रिच हो, गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी। जो भी पार्टनर आएगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसकी कोई भी नहीं होगी, वो मुझे रिच ही दिखाई दे रहे हैं, पैसे की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। ट्रू लव दिख रहा है सबके लिए, नहीं कहूँगी, सॉरी सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोग के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है इन स्टार्टिंग, बाद में शायद, अगर अभी स्टार्टिंग में हो सकती है, बाद में शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व भी दिखाई होते हुए, मतलब सॉल्व होते हुए दिख रही है मुझे। और ये था सिंगल्स के लिए कि अभी तक नहीं आया तो बहुत जल्द आ रहा है आपके लिए कोई, आ रहा है आपके लिए कोई जो आपके लिए ट्रू लव होगा और फाइनेंशियल भी मजबूत होगा, अगर नहीं होगा तो हो जाएगा। और हो भी सकता है कि आप लोग की स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, लोगों को जानने में, आप थोड़े अलग वो थोड़े अलग, तो थोड़ा एडजस्टमेंट में थोड़ी होती है प्रॉब्लम, जानने में थोड़ी सी। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको उसकी पसंद ना आए, उसको उसकी आपको ना आए बाद में, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा बहुत तो सब में होता है। जानने की कोशिश, जानिएगा एक दूसरे को अच्छे से, जानिएगा थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा। अब बात करते हैं उनकी जो सेपरेशन में चल रहा है, जो सेपरेशन में चल रहे हैं उनका बता दो कि कार्ड्स कहना चाहते हैं कि अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपके हाथ में अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, आपके हाथ में भी कुछ भी नहीं है, सिचुएशन आपके हाथ में है ही नहीं,
आप बस एक काम कर सकते हो, अपने ऊपर काम कर सकते हो, अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, अपने करियर पे ध्यान दे सकते हो, अपने जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो अपनी स्किल्स पे ध्यान दे सकते हो। अभी सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ लव करना है, बस इतना समझ लीजिए इन शॉर्ट, मतलब इन इन सिंपल वर्ड्स, कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है। अभी वेट कर सकते हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन अभी ये कार्ड मुझे कह रहे हैं कि आपको सेल्फ लव करने की बहुत जरूरत है और अपनी जॉब पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर जॉब नहीं कर रहे तो अपने करियर पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अर्निंग भी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है। अभी तो मैं समझ सकती हूँ कोरोना की वजह से आपको नहीं हो रहा है, तो अभी रुके हुए हैं कुछ लोग, अभी नहीं जा रहे हैं जॉब वगैरह पे, या फिर वर्क फ्रॉम होम भी है तो भी तो अब कुछ लोग का जॉब या फिर हो सकता है प्रमोशन होने के चांसेस दिख रहे हैं, जॉब मिल जाएगी कुछ लोग की, अगर नहीं है तो प्रमोशन हो सकता है। बस मेहनत करते रहिए, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जॉब के लिए तो वो भी निकल जाएगा, ऐसा नजर आ रहा है, कुछ अच्छा हो आ रहा है आपके पास। तो मैं इतना बता दूं कि अभी यही कहूंगी कि अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर जो सेपरेशन पीरियड में चल रहा है अभी, तो उनके लिए यही सुझाव होगा, जो अभी रिलेशनशिप में है साथ है अपने पार्टनर के, लेकिन वो भी वो कार्ड्स देख रहे हैं कि उन्हें उन्हें लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है उनके साथ रिलेशनशिप में। तो मैं उनका बता दूं कि आपके आगे छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों की मैं कहूंगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, आप दोनों के बीच पैसों की कमी की कुछ हो सकता है, पैसों के चक्कर में कुछ झगड़ा हो सकता है आपका, कुछ लोगों का, मैं सबका नहीं कह रही हूँ। और कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है आप लोग में, जैसे हो सकता है आपके पार्टनर की जॉब लग जाए, अगर साथ जो साथ है उनका बता रहे, या फिर आप ही की जॉब लग जाए तो आप लोग साथ में हो, ये आप लोग के लिए ही अच्छा है, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग इसको और आगे ले जा सकते हो। अगर इस तरह का कुछ होता है, जॉब लग जाती है या फिर कुछ अच्छा, कोई अर्निंग हो रही, कहीं से भी अर्निंग हो रही है आपकी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ ज़्यादा खराब नहीं है, कुछ बुरा नहीं दिख रहा है, बस इतना दिख रहा है कि छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है आप लोगों की आपस में, जो कि हर रिलेशनशिप में होती है। तो आप लोग का मुझे नॉर्मली लग रहा है, पैसे आते हुए बस दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पैसे का कहीं ना कहीं से आप या उनकी कोई जॉब वगैरह या कहीं से आप लोग पैसे कमा रहे होंगे, किसी के ऑनलाइन थ्रू या ऑफलाइन ही आप लोग कोई जॉब छोटा मोटा या फिर अपना ही कुछ करते होंगे। आप भी किसी फील्ड में अच्छे होंगे जिससे आप अर्निंग कर रहे होंगे, कुछ सिखाते होंगे किसी को, तो उससे अर्निंग हो रही होगी आपकी, ऐसी अर्निंग होती हुई दिख रही है। तो हो सकता है उसमें अब बढ़ोतरी होने वाली है आपकी अर्निंग्स में, दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग, सिंगल्स वालों की भी, सेपरेशन में जो है उनकी भी, और जो साथ है रिलेशनशिप में वो जानना चाहते हैं उनकी लाइफ में और क्या आने वाला है। तो मैं बता रही हूँ कि अर्निंग होती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं से आप लोग की लाइफ, आप लोग की लाइफ मुझे स्टेबल और पटरी पे आते दिख रही है। मतलब पैसे आएंगे आपके पार्टनर के पास, हो सकता है आपके पास आए, जॉब लगते हुए दिख रही, एग्जाम दे रहे तो वो क्लियर होते हुए दिख रहा है, तो इस तरह की चीजें हो सकती है। अगर आपको पायल रेजोनेट की हो या अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आजकल आप लोग बहुत कम कमेंट करते हैं, हो सकता है आपको नहीं अच्छी लग रही हो, पता नहीं, जो भी बात हो आप जानते हो ज्यादा बेहतर से, लेकिन अगर रेजोनेट करी तो आप प्लीज मुझे बता दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे पता तो चले आपको अच्छी लग रही कि नहीं, जो मैं इतना कार्ड निकाल के मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से बता सकूँ। इस तरह से मुझे भी लगता है ना कि कितने लोग से ये रीडिंग रेजोनेट करती है, सब पता तो चलता है कि हाँ कार्ड्स, मतलब कुछ आपको गाइडेंस मिल रही, मेरा काम आपको कुछ सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो अगर रेजोनेट क्या करे प्लीज, और लाइक भी कर दिया करो, आप लोग लाइक करने में भी बहुत कंजूसी करते हो तो ठीक है, अगर प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और लाइक भी कीजिएगा, और न्यू अगर न्यू सब्सक्राइबर है तो प्लीज, व्यूअर है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, सॉरी। एंड नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन लोगों ने ये पिंक कप चूज किया है उनका देखते चलिए,
हैंगमैन, सॉरी मैंने उल्टे पकड़े हैं, सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, द स्टार, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो पहले मैं सिंगल्स वालों का बता दूं, तो प्यार तो आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, बहुत गुड न्यूज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, प्यार बस पेंटिकल्स भी आ रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। स्टार मतलब ये रिलेशनशिप एकदम बहुत बेस्ट होने वाला है। अगर जो सिंगल्स देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, जैसे ये देखिए टू ऑफ कप्स, तो कोई आने वाला है जो आपसे आपको अपना प्यार का कप दे के आपसे आपका प्यार का कप लेने वाला है। बहुत अच्छे हैं, अभी तक बहुत वेट कर लिया इन्होंने, अब कोई अच्छा आने वाला है। अगर जैसे आप लोग सिंगल हो तो अब कोई बहुत अच्छा आने वाला है आपके लिए, जो आपकी लाइफ में प्यार एकदम ऐसे ही प्यार से भर देने वाला मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत प्यार से भर, प्यार ही प्यार होने वाला है। और रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म ही चलता दिखाई दे रहा है, और स्टार का कार्ड आ ही गया है तो बहुत होप होगी इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप लोग आगे कोई ऐसा मैरिज वगैरह का भी आप डिसीजन दे सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा आपके लिए पार्टनर आने वाला है, तो हो सकता है आगे जाके आप इसी पार्टनर से ही शादी भी करो। चलिए देखते हैं जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, तो ये जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं वो मुझे अभी थर्ड पार्टी दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी ही ज़्यादा लग रहा है मुझे। अगर पैसे की प्रॉब्लम की वजह से अलग हुए हों कि फैमिली नहीं मानेगी, कोई बात नहीं है, शादी नहीं हो पास हो सकती है, क्योंकि पेरेंट्स भी देखते हैं ना कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए सामने वाला, सामने वाले जो पार्टी है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप ऐसी किसी से शादी तो नहीं करवाते पेरेंट्स। तो अगर ऐसे कोई बात है तो वो भी मुझे सही होते दिखाई दे रही है। अगर सेपरेशन में थे इसीलिए सेपरेट हुए थे, क्योंकि मनी की प्रॉब्लम थी, आप लोग इतने मनी से स्ट्रांग नहीं थे आप लोग के पार्टनर, या फिर आप जिस वजह से शादी नहीं हो पा रही थी, तो अब होगी मनी की प्रॉब्लम सॉल्व, शादी नहीं मनी की प्रॉब्लम सॉल्व, शादी तो आप लोग पर डिपेंड करता है क्या वो कब करनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो सिंगल लोग हैं, मैं उनका बता दूं कि जब वो पार्टनर आएगा ना, आप लोग को इंट्यूशन ऐसे आने लगेंगे कि हाँ यही वो पार्टनर है जो मेरे लिए बनाए, क्योंकि आप लोग तो न जाने कितने लोग से मिलते होंगे, हजार, अभी तो कोरोना चल रहा तो नहीं, मुझे लगता हजारों लोग से मिलते हो, मतलब जो लोग बाहर जाते हैं जॉब करते हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, कहीं भी हैं, आप लोग का रोज कितने लोग से मिलना जुलना होता है, फेसबुक पे या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, उस पर भी तो इतने सारे लोग होते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन है मेरा पार्टनर। तो उस टाइम आपके इंट्यूशन ऐसे काम करने लग जाएंगे ना कि इतने इशारे, एंजल्स आपको इशारे देने लग जाएंगे कि यही है आपका पार्टनर। और मुझे लगता है कि जो अभी सेपरेशन में चल रहा है तो उनके लिए भी तो प्यार का कप आया ही है, तो मुझे लगता है कि अब प्यार आ रहा है, हो सकता है कोई न्यू लव आ रहा हो आपके लिए, हो सकता है कोई है जो आ रहा हो आपके लिए न्यू लव, बट हो सकता है वो आपसे एज में छोटे होंगे या इमेच्योर होंगे, ये मैं जो भी रिलेशनशिप में उनके बारे में भी कह सकती हूँ, जो भी साथ में है रिलेशनशिप में, तो मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर होंगे थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, एज में छोटे हो सकते हैं, फैमिली में जो उनकी फैमिली होगी उसमें यंग होंगे अपने फैमिली के में, और गर्ल्स का भी सेम वही चीज है, मैं गर्ल्स बॉयज अभी ऐसे नहीं बता रही, जो बोल रही हूँ वो गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी दोनों के लिए ही है। और देखिए रिलेशनशिप तो अगर आपका, अगर जो सेपरेशन में अगर अगर नए आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई नया आ रहा है, हो सकता है आपकी लाइफ अब न्यू बिगिनिंग चाहती हो, क्योंकि अब उस पर्सन के साथ कोई होप ना बची हो, लेकिन होप का कार्ड भी आया है। तो जो लोग सेपरेशन में अभी हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर वापस भी आ सकते हैं, होप का कार्ड आया है, और हो सकता है कुछ लोग का न्यू पर्सन आ रहा हो आपके लाइफ में, ये भी चांस है बता दूं। और जो आपके पार्टनर हैं जो सेपरेशन में भी चल रहे हैं, अभी बहुत सोच विचार कर रहे हैं,
उनका आने का मन है लेकिन कैसे आ जाए उन्हें भी नहीं, ये रास्ता नहीं मिलना है, आप तक कैसे आए, कुछ लोग का बता रही हूँ मैं, चूंकि हैंगमैन भी आए। मुझे लग रहा है प्लानिंग चल रही है, अभी प्लानिंग चल रही है कि क्या करना है आगे, कैसे जाऊं मैं उसके पास, आना चाहते हैं, होप है आपकी, जो मुझे लगता है जिन लोग के लाइफ में न्यू पार्टनर आएंगे, जिनके लाइफ में आएंगे उनके लिए होप बहुत है उस रिलेशनशिप में, और जिन और कुछ लोग के जो सेपरेशन में उनके लिए भी होप है कि उनके पार्टनर वापस आ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, मैं इतना ही कहूंगी आपको, एक सजेशन की मैनिफेस्ट करते रहिए, अच्छे से कीजिए, हो सकता है आपने इतना किया तब इस तरह के कार्ड आए, और अच्छे से करेंगे तो न जाने क्या होगा, शायद वो आ ही जाए फिर कुछ ही दिनों में। तो बस मैनिफेस्ट करते रहिए अपने पार्टनर को, उनके आने के चांसेस हैं, प्यार का कब जिस तरह आया है, बहुत सारा प्यार आने वाला है, चाहे न्यू पार्टनर की तरफ से आ रहा हो, चाहे आपके पुराने पार्टनर की तरफ से ही आ रहा हो, पर प्यार आपके लाइफ में आ रहा है। तो ये थे आपके कार्ड, और बहुत अच्छे कार्ड थे, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही अच्छा 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 होने वाला है, कुछ जो भी खराब सिचुएशन भी चल रही थी तो वो अच्छे अच्छे होने वाली है, क्योंकि प्यार जो ऐसी चीज है, पैसे भी आ रहे हैं, मैं पैसे को कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, पैसे भी तो आ रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल का भी तो कार्ड आया है, अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होने वाली, मतलब आपके लाइफ में प्यार प्लस मनी सब आ रहा है, तो अब इससे अच्छा और क्या चाहिए इंसान को, और क्या चाहिए होता है, करियर होना चाहिए, लव, एक लव पार्टनर होना चाहिए, अच्छा और क्या चाहिए। तो अगर प्रॉब्लम अभी खराब चल रही थी तो बहुत जल्दी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, मनी की हो या प्यार की हो, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग करानी हो तो मैं तो दे ही देती हूँ आपको पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोसीजर सब कुछ, कि क्या क्या कैसे कैसे है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट के बारे में भी बता देती हूँ मैं आपको, कि कांटेक्ट आप कैसे 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 कर सकते हैं, फेसबुक की लिंक भी दे देती हूँ, इंस्टाग्राम पर भी बता देती हूँ, ये मेरी आईडी है, आप इसके थ्रू भी आ सकते हो। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप करा सकते हैं, एंड ये थी आपकी रीडिंग, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल अगर न्यू व्यूअर्स हैं, एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दिया कीजिए, आप लोग बहुत कंजूस हो गए, सच बता रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले इतना लिखते थे, अब न जाने क्यों कम कर दिया है, मुझे नहीं पता, या तो रीडिंग अच्छी नहीं होगी, आपको नहीं अच्छी लगती, लाइक भी करते हो लेकिन कभी कुछ लोग कमेंट नहीं करते, कुछ लोग लाइक नहीं करते, न जाने क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप लोग प्लीज बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को रीडिंग समझ में आ रही है कि नहीं, कि मुझसे कहाँ गलती हो रही, तो मुझे आप वो भी बता दिया कीजिए, मुझे समझ में तो आए कि आपको क्या, और प्लीज मुझे सजेस्ट किया कीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं उस पर लेके आऊंगी वीडियो, आपकी इससे थोड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जो जो भी प्रॉब्लम है मतलब उससे रिलेटेड मुझे बता दिया कि हिंट दे कि मैम मुझे इस तरह की प्रॉब्लम, प्लीज इस पर वीडियो बना दीजिए, बोल दिया कीजिए बस, मैं बना दूंगी उस पर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पर भी वीडियो ला पाऊँ, और मैं जरूर लाऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पहले की तरफ चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कब के बारे में जरूर बताइएगा, बहुत दिन बाद निकला है तो मैं भी मेरे बचपन के टॉयज, या चलिए जिन लोगों ने ऑरेंज कप चूज किया है, ऑरेंज स्टोन कप, चलिए देखते हैं, जस्टिस, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं पहले बता दूं जिनकी जो सिंगल है, पहले उनके लिए बता देते हैं, देखिए क्योंकि सिंगल्स व्यूअर बहुत परेशान रहते हैं कि मैम आप मेरे लिए हमारे लिए रीडिंग नहीं लाती, तो मैं प्लीज उनके लिए पहले रीड करके बताऊंगी कि उनका क्या है। तो जो लोग सिंगल हैं, अभी तक बहुत वेट किया है, कोई तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है प्यार का कप लेके, पहले बता दूं, बहुत वेट कर लिया, मुझे भी दिख रहा है कार्ड में आपने बहुत वेट कर लिया, अब चाहते हो कि अब कोई नया पर्सन आए आपके लाइफ में जो आपकी लाइफ भी प्यार से खूब भर दे, बहुत लविंग और बहुत केयरिंग नेचर के हो आप, मुझे दिख रहा है बहुत लविंग और केयरिंग नेचर के हो, सबको बहुत प्यार करते हो, आपको प्यार करने वाला नहीं मिल रहा तो बहुत जल्द मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, कोई किंग आ रहा है आपके लिए, किंग, तो आप चिंता मत कीजिए। और जो सेपरेशन में, उनका बता देती हूँ, चलिए सेपरेशन में तो जस्टिस, जस्टिस मिलेगा आपको,
जस्टिस का कार्ड खुद ही आ चुका है आपके लिए, आया है कार्ड तो आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, मतलब आपको बहुत हर्ट हुआ है उनके जाने से, बुरा हुआ है आपके साथ, उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, तो उनके साथ भी बुरा होगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन मुझे पता है आप लोग कहते हो नहीं बुरा मत हुए, बस उनको रिलैक्स हो जाए, इतना ही बहुत है। मैंने देखा है आप लोग के कमेंट्स, तो जब तक तो उनको उनके साथ होगा नहीं तो उनको रियलाइजेशन कैसे होगा, आप मुझे ये बताइए। ऐसे नहीं रियलाइज होता ना लोगों को, जब तक खुद के साथ नहीं होता तब तक लोगों को रियलाइजेशन नहीं होता, तो उन्हें भी फील होगा जैसे आपको छोड़ के गए ना वापस आएंगे, और उनको रियलाइज जरूर होगा जब उनके साथ ऐसा कुछ होगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए तो यही आपके लिए भी अच्छा ही होगा, अगर आपको लगता है। और जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ वो आएंगे पक्का, आपको वही चाहिए और मतलब भी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं दिख रहा आपको, तो ठीक है आप वेट कीजिए, अच्छी बात है। आपको आप वेट कर रहे हो चूंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं है, उस तरह का आप लोग का रिलेशनशिप रहा है कि आप लोग का बॉन्ड था उस टाइम स्ट्रांग, तो हो सकता है आपके पार्टनर आ सकते हैं। जब आपको इंट्यूशंस आ रहे कि वो वापस आएगा तो बहुत अच्छी बात है, वेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए उसे, बहुत अच्छी बात है ये। अब जो लोग रिलेशन, और एक मिनट, और ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो हो सकता है जो लोग सेपरेशन में होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, या फैमिली ने अलग कर दिया, सोसाइटी के वजह से अलग हो गए हों किसी वजह से, तो ये सभी चांसेस हो सकते हैं अलग होने के आप लोग के। और जिनके न्यू पार्टनर आ रहे हैं, मतलब जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बता दूं, बहुत फ्रेंडली नेचर होगा उनका, और बहुत लोगों के साथ घुलना मिला होगा, फ्रेंड्स भी काफी हो सकते हैं उनके जो आएंगे, ठीक है। और मैं उनका बता दूं जो है रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ अभी भी हैं, और वो जानना चाहते हैं कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपका प्यार बहुत स्ट्रांग है तो जस्टिस आपको मिलेगा, आपकी शादी उनके साथ होगी, चिंता मत कीजिए, आपकी शादी उनके साथ होगी, आप लोग का प्यार मतलब सक्सेसफुल रहेगा, जस्टिस होगा, क्योंकि आप जब आपने इतना किया है उनके लिए, उन्होंने इतना किया, मैंने अपने लव लाइफ को इतना दिया है आप दोनों ने मिलके, तभी तो स्ट्रांग हुआ है बॉन्ड इतना, तो जस्टिस तो आपको मिलेगा। कौन तोड़ेगा इतना प्यारा बॉन्ड, इतना इतना मजबूत बॉन्ड कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता, चाहे कोई भी आ जाए नहीं तोड़ सकता, जब तक आप ना चाहें, इतना समझ लीजिए, जब तक आप नहीं चाहेंगे ना आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर आप कहीं भी टूट गए तो फिर टूट जाता है बॉन्ड, तो आप में से कोई भी एक टूट गया तो टूट जाता है बॉन्ड। और अगर आप लोग का प्यार बहुत स्ट्रांग है तो अब वो और स्ट्रांग होने वाला है, ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स। एंड और कोई हो सकता है आप या आपके पार्टनर में से कोई कोई इनिशिएटिव ले सकता है आगे बढ़ाने का, अपने अपने लव लाइफ को और एक स्टेप आगे बढ़ाने का इनिशिएटिव ले सकता है, और उसके लिए बहुत प्लानिंग भी करेंगे आप लोग कि क्या करना है आगे। मुझे लग रहा है कि प्लानिंग भी करेंगे कि अब मुझे आगे क्या करना है, कुछ लोग ने बहुत प्लानिंग भी की होगी कि आगे क्या करना है, कैसे अपने पेरेंट्स को बनाना है, या फिर कैसे शादी करनी है, तो कहाँ शादी करनी है, कि क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ इन डिटेल सब लोग सोच रहे, प्लानिंग कर रहे, उस तरह वाली सिचुएशन आ सकती है आप में। जो लोग साथ में है मैं उनका बता रही हूँ अभी, जो लोग साथ में है और जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है। और यही थी आपकी रीडिंग, और कुछ खास नहीं है, इतना ही बता सकती हूँ मैं, यही यही कार्ड मुझे बता रहा है आप लोग के लिए। और इतना बता दो जो लोग देख रहे हैं बहुत लविंग एंड केयरिंग नेचर के मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी ये देख रहे हैं ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, बहुत लविंग एंड केयरिंग नेचर मुझे, लेकिन आप ज्यादा लग रहे हैं कि आप लोग लविंग और केयरिंग नेचर के बहुत हो, और आपको भी आपके साथ जस्टिस होगा, इतना समझ लीजिए। अगर आपने किसी को इतना प्यार किया ना तो आपको भी वापस प्यार उल्टा मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना आपने किया, इतना समझ लीजिए। बहुत वेट कर रहे हैं कुछ लोग, बहुत वेट कर रहे हैं तो करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्यार आते भी दिखाई दे रहा है, तो चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी प्यार आ जाएगा आपके लाइफ में भी। तो ये थी आपकी रीडिंग, प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आजकल आप लोग कमेंट कर रहे हो, बहुत कंजूसी कर रहे हो। मैंने पिछले मतलब मैंने आगे जो पाइल्स अभी फर्स्ट पाइल सेकंड पाइल भी किए, तो उसमें भी बोला है आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हो कमेंट कमेंट करने में, मुझे बताते ही नहीं आप लोग कि आप लोग को कैसी लगी रीडिंग, क्या रेजिनेट किया कि नहीं। पहले करते थे कमेंट, अब आप लोग कम करने लगे हो, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कैसी लग रही रीडिंग, क्या क्या है। आप लोग सजेशन भी नहीं दे रहे कि मैम इस पे रीडिंग बनाइए, आप ये भी नहीं बता रहे हो, अब तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए, किस पे रीडिंग चाहिए,
तो मैं सोल्यूशन कैसे लाऊंगी आपके लिए, मैंने आपको कैसे बताऊंगी कि आपके लाइफ में और क्या चल रहा है, अभी आपको क्या आगे करना चाहिए? कुछ मैं नहीं बता सकती जब आप ही मुझे नहीं बताएंगे कि आपको क्या चाहिए। ना सजेशन दे रहे हैं आप लोग, ना कमेंट कर बता रहे कि मैम पायल थी, मैम रीडिंग अच्छी थी, ना कुछ कुछ भी नहीं। बस लाइक भी बहुत कम कर रहे हो, व्यूज भी बहुत धीरे धीरे आ रहे हो, ना जाने क्या हो गया आप लोगों को। इतने अच्छे व्यूअर्स थे मेरे, पता नहीं क्या हो गया उन लोगों को। नहीं अभी भी अच्छे हो, लेकिन न जाने क्या हो गया आप लोगों को। चलिए ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज, एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना यार। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।